नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं आप लोगों से मंदिर के बारे में। जो आपके घर या फ्लैट में जो 16 दिशाएं होती हैं वास्तु के अनुसार, कौन से लोकेशन पर मंदिर होने से अच्छा रहेगा या कौन से लोकेशन में होने से खराब रहेगा। पहली बात तो आप जान लें कि मंदिर है क्या। मंदिर है खुद के साथ जुड़ाव, अपनी अंदर आत्मा के साथ जुड़ाव, भगवान के साथ जुड़ाव। मंदिर जिस दिशा में रहेगा उस दिशा के एट्रीब्यूट को गवर्न करता है। सबसे अच्छा लोकेशन है मंदिर के लिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट। आप वेस्ट में पूजा कर सकते हैं, वेस्ट में सबसे अच्छा है, फिर नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये चार दिशाएं मंदिर के लिए अच्छा होती है। बाकी की दिशाओं में आप मंदिर नहीं लगा सकते, आपको परहेज करना चाहिए। और दूसरी बात, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाते हैं या नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाते हैं और ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में मंदिर लगाते हैं, तो आपको यहाँ पे रेड कलर यूज नहीं करना है। अभी बहुत से लोगों को देखो आप मंदिरों में रेड कलर का कर्टन्स, रेड लाइट सब लगा देते हैं, पर अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर है और आपने वहां पे रेड कलर का बल्ब और रेड कलर की लाइट लगा दिया, तो आपको क्लियरिटी में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए कि मंदिर क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट है खुद के साथ जुड़ाव, ध्यान। नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर रहेगा और आपने रेड कलर की लाइट लगा दिया या रेड कलर का कर्टन डाल दिए, तो आपका खुद के साथ जुड़ाव नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। इस तरह अगर आप वेस्ट में मंदिर करते हैं, वहां पे भी आपको रेड कलर नहीं करना है, आप वहां पे येलो कलर यूज कर सकते हैं और व्हाइट कलर यूज कर सकते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में आप ब्लू, ब्राउन, ब्लू, ग्रीन कलर के कपड़े यूज कर सकते हैं, कॉटन यूज कर सकते हैं, भगवान के कपड़े यूज कर सकते हैं, और वहां पे आप लाइट भी ब्लू कलर का लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि रेड कलर ही भगवान को पसंद है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं बात करता हूँ ईस्ट के बारे में। अगर ईस्ट में मंदिर है तो ठीक है, पर प्रॉब्लम ये रहता है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अभी हमारे पास कुछ अधूरा है। सब कुछ होते हुए भी आपको अधूरा लगेगा कि मतलब हमारे पास अभी पैसे की कमी है, हर चीज की कमी महसूस होती रहती है। उसके बाद ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट में मंदिर लगाने से आपको परहेज करना चाहिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में मंदिर लगाएंगे तो ऐसे जगह आपका कि क्योंकि वहाँ पे ज्योति जलती रहती है, यहाँ पे मंदिर लगाने से परहेज करना चाहिए। इसलिए वहाँ पे आपको ऐसा करेंगे तो आपको डायबिटीज या ब्लड प्रेशर ये सब जैसी बीमारियाँ होती हैं, पर यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहिए। और साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट में मंदिर नहीं लगाना चाहिए, यहाँ सिर्फ माँ दुर्गा की पूजा कर सकते हैं। साउथ ईस्ट में क्या है, साउथ ईस्ट एट्रीब्यूट क्या है, ये फायर की दिशा है, अग्नि की दिशा है। और अगर साउथ ईस्ट में आप पूजा करते हैं किसी भी देवी देवता का, माता दुर्गा का छोड़ के, तो यहाँ पे एक्सीडेंट का भय रहता है, घर में फायर लगने की डर होता है, तो साउथ ईस्ट अवॉइड करना चाहिए। साउथ साउथ ईस्ट में भी मंदिर नहीं होने चाहिए, साउथ में भी मंदिर नहीं होने चाहिए, यहाँ पे भी अवॉइड करना चाहिए। साउथ में आप मेडिटेशन कर सकते हैं, मेडिटेशन के लिए अच्छा है, ध्यान के लिए अच्छा है, आप जप कर सकते हैं। साउथ साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट में पूजा अलाउ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे पूजा अलाउ करने से आप अगर पूजा करते हैं, मंदिर लगाते हैं, तो आपके घर में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। इसलिए कि ये जगह अच्छी नहीं है, डिस्पोजल है, यहाँ पे मंदिर अच्छा नहीं है। साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में मंदिर नहीं होता, साउथ वेस्ट में आपके पितरों के पूजन किया जाता है, पितरों के फोटो लगाए जाते हैं। और साउथ वेस्ट में आप मंदिर लगाते हैं तो ऐसे में बहुत सारे केस में हमारे सर ने पाया है कि ऐसे में हमारे घर के जो बच्चे हैं वो घर के अलावा दूसरे भी जातियों में शादी का योग बनता है। अब वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट में भी आप माँ सरस्वती का पूजा कर सकते हैं, यहाँ पे भी मंदिर अलाउ कर सकते हैं, पर परहेज करेंगे ज़्यादा अच्छा है। वेस्ट में सबसे अच्छा होता है मंदिर यहाँ पे आपको, इसलिए ये वरुण की स्थान है, यहाँ पे आप मंदिर लगाएंगे सबसे अच्छा है। ये खुद के साथ कनेक्शन है, ये ध्यान है, यहाँ खुद के साथ जुड़ा होता है। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में मंदिर अलाउड नहीं है, यहाँ पे आप पूजा नहीं करते, यहाँ श्री अक्षिणी की पूजा होती है, इसलिए यहाँ पे
पूजा मंदिर नहीं हो सकते है। नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर नहीं लाओगे पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि ये है सपोर्ट की दिशा। अगर आप नॉर्थ वेस्ट में मंदिर लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हमें हर कोई काम खुद से नहीं करोगे, सपोर्ट चाहिए, हर किसी को आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ती रहेगी। जैसे कोई काम रहेगा तो आपको ऐसा लगेगा खुद कर लोगे, पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी को सपोर्ट नहीं है हमारे पास। नॉर्थ वेस्ट में मंदिर होने से आपको ऐसा महसूस होता रहेगा, इसलिए नॉर्थ वेस्ट में आप अवॉइड करिए। अब नॉर्थ वेस्ट में भी मंदिर अवॉइड करना चाहिए यहाँ पे, इसलिए सिक्स अट्रैक्शन की जगह है। अगर आप मंदिर लगाते हैं, आप ध्यान करते हैं, तो आपके मन में दूसरे ख्याल आएंगे। अब उसके बाद बचता है नॉर्थ में भी माँ लक्ष्मी की आप पूजा कर सकते हैं, गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, बाकी सभी देवताओं को अलाउ नहीं है, पर सबसे अच्छा है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और वेस्ट, ये तीन दिशाएं अच्छी हैं। ये रहे हमारे 16 दिशाओं में मंदिर के क्या परिणाम आते हैं, कहाँ पे क्या रिजल्ट मिलता है। बस आज के लिए इतना ही, नमस्कार।